दोस्तों, मैं अनुराग अग्रवाल हूँ और मैं पिछले करीब 18 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि कैसे आपको स्टेज पर आके लोगों को एड्रेस करना है और कैसे अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना है। आई एम अ बिजनेस कोच एंड अ पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। इन कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर लिखे हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे आपको लोगों को अपनी बातों के लिए कन्विंस करना है। हाउ यू हैव टू बी परसुएसिव, हाउ टू कन्विंस पीपल टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। जो सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है आस्क क्वेश्चंस विच इज यस 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 आंसर्स। आपको किसी को भी अगर राजी कराना है अपनी बात के लिए तो उसे क्वेश्चन पूछे, ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर जो है वो यस 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 में हो। देखिए, जितने भी फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज के अंदर हाउ टू कन्विंस पीपल योर पॉइंट ऑफ व्यू में, वो सब फॉर्मूला हर एक सिचुएशन पर नहीं लगेंगे। कोई फॉर्मूला कहीं पर लगेगा, कोई फॉर्मूला कहीं पर लगेगा। ओके, जैसे मैंने आपसे बात करी आस्क क्वेश्चन विच इज यस 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 आंसर्स, इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको कई सारे एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक यंग बॉय है, लड़का है, कॉलेज जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको कहा है कि भाई अगर तुमने मुझे डेट करना है तो भाई मोटरसाइकिल पर आना, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ में। अच्छा, अब अगर वो अपने डैड के पास जाके कहता है कि डैडी वो निहारिका मुझे कह रही थी कि अगर डेट करना है तो मुझे मोटरसाइकिल पे आना, तो डैडी प्लीज़ गिव मी 1,00,000 रुपीज़। अब मुझे बताइए कि डैडी उसको 1,00,000 देंगे या 1,00,000 कुछ हाथ से उठा के कुछ और देंगे, है ना, कुछ भर के देंगे हाथ से। लेकिन इसकी जगह पर अगर वो ये लड़का अपने डैड के पास जाता और कहता है डैडी मैं कॉलेज जाता हूँ, डैडी कहेंगे ओके ओके मीन्स यस। डैडी कॉलेज हमसे करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर है और 20 से 25 किलोमीटर जाने में 2 घंटे जाने में लगते हैं, 2 घंटे आने में लगते हैं, हाँ 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 का मतलब यस। और डैडी मैं लाइब्रेरी भी जाता हूँ, हाँ हाँ, और वहाँ भी जाने में आने में टाइम लगता है, हाँ हाँ। तो डैडी ये जो 5-6 घंटे मेरे लगते हैं हर रोज़ के जो वेस्ट होते हैं, आई वॉज थिंकिंग कि अगर आप मुझे कोई मोटरसाइकिल स्कूटर कुछ भी दिला दो जिससे कि मेरा जो टाइम है वो बच जाए और मैं वो सारा टाइम जो अपनी स्टडीज़ में डाल सकूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डैडी उसी वक्त निकल के कहेंगे 80,000 रुपये 1,00,000 रुपये जाओ जाके आओ पल्सर, डेफिनेटली मेल। लेकिन चांसेस हैं करीब 40-50% डैडी विल बी एबल टू कन्विंस हिज फादर टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू। करीब 40-50% चांसेस हैं कि वो कन्विंस करा पाएगा। आस्क क्वेश्चन विच इज यस 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 आंसर्स। बागों में बहार है, फूलों में निखार है, आज शनिवार है, तुम्हें मुझसे प्यार है। आप समझ गए होंगे, आस्क क्वेश्चन विच इज यस 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 आंसर्स। और वैसे भी अगर आपको ये मजबून ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो नीचे के कमेंट में जरूर लिखेगा कि यस यू लाइक इट, यू लव इट, राइट। तो मैं आपको बता रहा था आस्क क्वेश्चन विच इज यस 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 आंसर्स। इसके बहुत सारे और को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको और बहुत सारा मेटल देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ मैं ये टेक्निक है, ये टेक्निक मेरी नहीं है, ये टेक्निक सोक्रेट्स की है। सोक्रेट्स आप जानते होंगे करीब 2,500 साल पुराना ये जो फिलासफर है एथेंस का, ये बहुत बड़ा फिलासफर था और इसने अपने जितने भी ओपोनेंट थे उन सबको जीता। वो उसके सारे के सारे ओपोनेंट जो इसके अगेंस्ट थे, उसके जो कंपेटिटर थे जो इसके अगेंस्ट थे, जो हमेशा इसके पास न न न करते आते थे, वो हमेशा इसके हाँ 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 कराने वाले क्वेश्चन के कान से वापस जाते और उसके साथ मिल के जाते थे। ये हमेशा अपने ओपोनेंट को कन्विंस करा पाता था सिर्फ इस कान से, क्योंकि उसके अंदर शक्ति थी, उसके अंदर अकल थी, उनसे पूछता था ऐसे क्वेश्चन विच इज ओनली यस 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 आंसर्स। ये टेक्निक जो है ये सॉक्रेट्स की टेक्निक है, ये मेरी टेक्निक नहीं है। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। बहुत साल पहले की बात है, अब से 20-25 साल पहले की बात है, मैंने आपको अक्सर एग्जांपल दिया कि मैं गारमेंट्स में था तो हम लोगों को हमारे दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर हुआ करता था, काफ़ी ह्यूज था उन दिनों, साउथ एक्स के अंदर एबनी डिपार्टमेंट स्टोर। और यहाँ पर एबनी पर हम लोग चाहते थे कि हमारे गारमेंट्स बिके क्योंकि बहुत बड़ा ये डिपार्टमेंट स्टोर था। तो हम लोगों ने एक बारी प्रेजेंटेशन दी, दूसरी बारी प्रेजेंटेशन दी, लेकिन उसकी जो परचेज मैनेजर थी उसको हमारे सैंपल पसंद नहीं आ रहे थे। अब की बार हम लोगों ने सोच लिया कि कुछ ऐसा करना है जिससे कि हर हालत में हमें एंट्री मिले। करीब 15-20 दिन तक हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत सोच समझ के अकल लगा के मेहनत करी। जो गारमेंट थे वो तो थे ही थे, जो हमारे सैंपल थे, हमारी जो प्रेजेंटेशन थी उसको तो हमने थोड़ा सा इम्प्रूव किया, लेकिन सबसे ज़्यादा हमने अब तक खोपड़ा लगाया। सुनिए क्या हुआ। हम लोगों ने बहुत मेहनत से उस लेडी को दोबारा से प्रोसीड कराया कि हमको एक और प्रेजेंटेशन देनी है, और अब की बार उस लेडी ने कह दिया, परचेज मैनेजर ने, कि अब की बार मैं आपको लास्ट चांस दे रही हूँ, अगर आपके प्रेजेंटेशन इस बार मुझे कन्विंस न करा पाई तो आपके बाद से आगे से मैं कभी आपको कभी टाइम नहीं दूंगी किसी भी हाथ में प्रेजेंटेशन का। तो चलो जी, हम लोगों ने टाइम दिया, हम लोग वहाँ पर गए, हम लोगों ने सबसे पहले पेयर ऑफ जीन्स जो हमने जो डेनिम हम लोग बनाते थे, सबसे पहला डेनिम हम लोगों ने सामने खोला। हमने कहा मैडम हमारा जो डेनिम है इसकी लेंथ जो है 46 इंचेस है। तो
मैंने कहा मैडम आपके पास जितने भी ली लिवाइस लीक ऊपर जितने भी आपके पास डेनिम्स आती हैं वो सब के सब 43.5 की हैं। कितनी तो इतनी लेंथ की जरूरत क्या है? मैडम अगर आपकी दुकान पे कोई भी 6 फीट टॉल इंसान आ गया या उससे टॉलर कोई इंसान आ गया तो वो वापस नहीं जाएगा। शी कैप्ट क्वाइट और कीपिंग क्वाइट मीन्स यस। फिर उसके बाद हमने बोला मैडम वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर हु इज़ यूजिंग YKK जिप। एक्चुअली में हमें जो हमारा जो वेंडर था जो हमें YKK जिप सप्लाई किया करता था मुंबई से, वो हांगकांग से जिप को इंपोर्ट करता और इंडिया के अंदर 4-5-6 मैन्युफैक्चर को दिया करता था। हमारे अलावा 4-5-6 और मैन्युफैक्चर भी थे जो उस YKK जिप को यूज़ कर रहे थे, लेकिन उनकी सप्लाई जो थी वो एबनी डिपार्टमेंट स्टोर पे नहीं थी। ये हम लोगों ने 15-20 में चेक कर लिया था, पूरा होमवर्क करके हम लोग गए थे। तो मैडम वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर हु इज़ यूजिंग YKK जिप। एक्चुअली उन दिनों YKK इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती थी और जितनी भी होती थी वो डुप्लीकेट होती थी। और यही उस लेडी ने कहा नहीं किसी भी हाथ में नहीं, हमारे पास जितनी भी जीन्स हैं डैम्स हैं उनके अंदर YKK जिप है, ये हम लोग जानते हैं। मैंने कहा मैडम मंगवाइए। उसने मंगाई, उसने कहा देखिए ये YKK जिप। हमने उसी वक्त उसको उल्टा किया, पीछे रस्ट लगा हुआ था। मैडम देखिए इस रस्ट है, ये डुप्लीकेट हमारी ओरिजिनल है। शी कैप्ट क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मीन्स यस। मैडम आपके पास साइजेस कौन कौन से हैं डेनिम के? शी सेड हमारे पास 28 से लेकर 42 तक है। मैडम हमारे पास 28 से लेकर 42 है, उसके बाद 44 है 46 है 48 है 50 है 52 है 54 साइज तक की वेस्ट तक की जीन्स हमारे पास है। कितनी इसका फ़ायदा क्या होगा? मैडम कोई भी अगर इंसान आपके पास आ गया जो कि बहुत मोटा सा है वो वापस नहीं जाएगा। एक्चुअली में हमारी सप्लाई जो थी उन दिनों पंजाब में हद से ज़्यादा होती है और आप जानते हैं पंजाब के अंदर सर जितने भी सर होते हैं हट्टे कट्टे सर होते हैं। तो मैडम वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर हु इज़ यूजिंग हु इज़ गिविंग यू बिग साइजेस। उसने कहा लेकिन मुझे इसके लिए प्रोडक्ट को रखने के लिए जगह कहाँ पर है? मैडम इतना बड़ा अपने शोरूम बना के रखा हुआ है 4 स्टोरी, अगर उसमें अगर आप एक रैक में थोड़े से बिग साइज आप रखते भी हो तो इसमें हर्ज क्या है? आपकी सैलरी तो बढ़ेगी, इतना बड़ा शोरूम आप लेके बैठे हो, हर रोज़ आपको नई से नई चीज़ें चाहिए, इससे बड़ा नया क्या हो सकता है? शी कैप्ट क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मीन्स यस। मैडम बताइए आपको कितना माल सप्लाई करना चाहते हैं? और क्या आप जानते हैं उन दिनों अब से 25 साल पहले हम लोगों ने करीब 4 लाख रुपए का ऑर्डर लिया था जस्ट बिकॉज आई आस्क क्वेश्चन विच इज यस 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 आंसर्स। दूसरा तरीका आपको बताना चाहता हूँ, उसको कहते हैं हम लोग अपील फॉर नोबल मोटिव। पाक इरादों की गुहार करना, पाक इरादों की प्रार्थना करना, पाक मतलब शरीफ इरादों की प्रार्थना करना। मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ, वैसे इसका मिसयूज़ हो सकता है, इसका मिसयूज़ मत करना, इसको आप सही ढंग से समझिए होता क्या है। ये आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, मैं बहुत साल पहले की बात है, अब से करीब 20-22 साल पहले की बात होगी, मैं और अपने दोस्त राकेश फ्रेंड के साथ में हम लोग थे रोहिणी के अंदर और हमारे पास श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम के पासेस थे, VVIP पासेस जिनकी वर्थ होनी चाहिए 1000-2000 रुपये उन दिनों के हिसाब से। और हम लोग शाम को 4 बजे चले, 6 बजे इस कॉन्सर्ट ने श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम के अंदर स्टार्ट होना था। हम लोग जैसे ही चले और जैसे हम लोग वजीराबाद पुल से करीब 4-1 किलोमीटर पहले थे, वजीराबाद पुल जो ये आउटर रिंग रोड है ये अब तो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो चुकी है, 8 लेन की है, लेकिन तब ये सिर्फ 2 लेन की थी। और जैसे हम लोग पहुँचे ट्रैफिक जैम, तो ऑपोजिट साइड से आने वाले व्हीकल से हमको बताया कि कुछ नहीं था, ट्रैफिक पुलिसमैन थे, वो एक तिराहा था, चौराहा भी नहीं था, ट्रैफिक पुलिसमैन थे लेकिन वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। बस मैंने उसी वक्त अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा सुन गाड़ी तुम चलाओ, मैं जाता हूँ देखना 15 मिनट के अंदर सारा का सारा ट्रैफिक मैं साफ करवा दूंगा। ऑलराइट। और वाकई में 15 मिनट भी नहीं, शायद 12-13 मिनट के नहीं, सारा का सारा ट्रैफिक वो साफ हो चुका था। मैंने क्या किया, मैंने अपने गाड़ी को अपने फ्रेंड के हाथ में दिया, मैं उतरा ऑपोजिट साइड में गया और वहाँ पर एक साइकिलिस्ट आ रहा था। उस साइकिलिस्ट को मैंने बोला कि भैया मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, तुम मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर मुझे चौक पर ड्रॉप कर दो। उसने कहा ठीक है। मैंने उसको 10 रुपये दिए, मैं उसके कैरे पर बैठा और टिंग टिंग करता हुआ जब वो आगे पहुँचा और वहाँ से करीब 100 मीटर पहले उसने मुझे उतारा और फिर वहाँ से मैंने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मैं आगे चौक तक पहुंचा और वहां पर एक पुलिसमैन के वहां पहुंचा और मैंने कहा मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हॉस्पिटल। उसने कहा क्या वाइफ प्रेग्नेंट हॉस्पिटल? ओ राम सिंह, ओ रंजीत, ओ लेडी, ओ प्रेग्नेंट हॉस्पिटल, सारा ट्रैफिक रोको। और उसने मेरी साइड वाला जो व्हीकल था उस रोड को उस लेन को उसने चलान शुरू कर दिया और क्या हुआ 3-4-5-7 मिनट में सारा का सारा व्हीकल जो साफ हो गया। हाँ इसमें मैंने जरूर सेल्फिशनेस की है, मैंने अपनी खुदगर्जी की है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा गलत ये लोग करते हैं। बजाय इसके कि इनको सारा का सारा एक जो वे है एक जो रास्ता है पूरा साफ करना चाहिए, फिर दूसरा फिर तीसरा उनको साफ करना चाहिए, लेकिन एक लोग करते क्या है पहले 2 मिनट व्हीकल चलाएंगे एक साइड का, फिर 2 मिनट एक दूसरे को, फिर तीसरे मिनट दूसरे को। इससे क्या होता है बार बार रोकना चलाना रोकना चलाने से कभी भी कोई भी रास्ता साफ नहीं हो पाता। इनको चाहिए यही कि हमेशा पहले एक रास्ता लें फिर दूसरा फिर तीसरा। इन लोगों ने किया नहीं। खैर एनीवेज मैं अपने फायदे के लिए ऐसा किया
और क्या हुआ, सारा का सारा रास्ता साफ हो गया। अच्छा हाँ, मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दोस्त ठीक मेरे साथ में आके व्हीकल रोके और कहे आओ, और पुलिस वाले कहे ना 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 तुम हमारे साथ में आओ। जैसे ही मैंने देखा अपने दोस्त को आते हुए मेरी गाड़ी के अंदर, मैंने उसको इशारा किया तुम आगे लेके चलो, वो आगे लेके गया, मैंने पुलिस वाले को धन्यवाद बोला, मैं बैठा और निकल गया। मैंने क्या किया जानते हैं आप लोग, कैसे मैंने उसको कन्विंस किया ताकि वो मेरी साइड के व्हीकल को चलाने दे। मैंने क्या यूज़ किया, अपील फ्रॉम नोबल मोटिव, मैंने आदर्श काम की दुहाई दी। मैंने कहा मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, ध्यान रखिए वाइफ के नाम पर, बच्चों के नाम पर, ये सारे के सारे आदर्श काम हैं, कौन से, वाइफ के नाम पर, बच्चों के नाम पर, भगवान के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर, बीमारी के नाम पर, ये जितने भी हम लोग आदर्श काम की दुहाई देते हैं इससे हम लोग वी आर बीन एबल टू कन्विंस पीपल टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आपको मैंने बताए हैं ये सारे बहाने, मैं आपको कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, इन सब में आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो। आप लोगों को जब भी छुट्टी चाहिए होती है अपने HR को फ़ोन करके, सर उल्टी तबीयत खराब है, दो दिन की छुट्टी चाहिए, चक्कर कुछ और होता है, आपको अपने वाइफ के साथ में जाना होता है कहीं और, दिल्ली के बाहर, मुंबई के बाहर, लेकिन आप जानबूझ के ये बहाना करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है तबीयत के नाम पर आपका HR जो है किसी भी हाथ में ना नहीं कर सकता। और तो और आपके बच्चे भी जब भी उनको स्कूल नहीं जाना होता एक दिन पहले उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्या ये अपील फॉर नोबल मोटिव? अच्छा चल छोड़िए, आप मुझसे मत सीखिए, आपको सीखना है तो किसी भी चौक पर अपनी गाड़ी लेकर चले जाइए। जैसे ही आप चौक पर पहुँचेंगे, इंडिया में हर तरफ यही हाल है, आप किसी भी चौक पे पहुंचेंगे उसी वक्त कोई ना कोई भिखारी आपके पास आ जाएगा और क्या कहेगा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, दो दिन से भूखा। अब देखिए, अल्लाह के नाम पर अपील फॉर नोबल मोटिव, दो दिन से भूखा, अपील फॉर नोबल मोटिव, और साथ में अपना कोड भी दिखाता है वो, अपील फॉर नोबल मोटिव। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भिखारी गलत हैं, आज हमारे देश की हालत इतनी ख़राब है कि भिखारियों को भी झूठ बोल बोल के उनको भीख लेनी पड़ती है। खैर मैं उनकी हंसी नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, लोग इसको यूज़ करते हैं, इसका मिसयूज़ करते हैं, आपको चाहिए इसका मिसयूज़ ना करें। अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए आपकी कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, आपने मान लीजिए उसे 20-25 हज़ार पे लेने हैं और वो पेमेंट नहीं कर रहा है, आपने उसका कई बार फ़ोन किया, क्यों नहीं आप यहाँ पर ट्राई करते अपील फॉर नोबल मोटिव, आदर्श काम की दुहाई क्यों नहीं देते? आप जाइए उसके पास या उसको फ़ोन कीजिए, उसको कहिए साहब मैं जानता हूँ कि आप निहायत शरीफ हैं, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आपकी साख जो है, आपकी जो गुडविल है आपके इलाके में, आपके इस प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा है, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ में गलत नहीं करेंगे, मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, अगर आपको लगता है कि पेमेंट मेरे पास है, मेरी पेमेंट सही है, तो आप मुझे पेमेंट वापस कर देंगे, मैं आपकी इंतजार करूँगा, आपके बात की इंतजार करूँगा, मैं आपके फ़ोन की इंतजार करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस प्रकार से आप उसके ऊपर छोड़ देंगे, आप उसको कहेंगे कि वाकई में मैं आपका विश्वास करता हूँ, अगर आप उसके ऊपर पूरा विश्वास उसके ऊपर छोड़ेंगे तो चांसेस है कि वो इंसान हो सकता है आपके पैसे वापस कर दे। तो ख्याल रखिएगा, इसका मिसयूज हो सकता है, इसका यूज़ कीजिए, और साथ में ये भी कोशिश कीजिए कि आपके एम्प्लॉयज़ उनको पहले से डिक्लेयर कर दीजिए कि अपील फॉर नोबल मोटिव या आदर्श कामों की दुहाई जो है मेरे यहाँ नहीं चल सकती। उनको पहले से आप क्लियर करके रखेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंप्लॉयज आपको इस प्रकार से झूठ बोल बोल के वो छुट्टियां लेते हैं, वो छुट्टियां बंद हो जाएंगी। दोस्तों अगर मेरे तरीके आपको पसंद आए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि आपको कौन सा तरीका पसंद में आया है, क्यों तरीका पसंद में आया है। अगर आपको ये तरीके पसंद में आ रहे हैं मुझे लिखिए, और ज़रूर मैं आपको इस सीरीज में बहुत सारे और तरीके ऐसे बताऊंगा, आपकी आंखें बाकी में खुली की खुली रह जाएंगी, एंड यू विल बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर, यू विल बी एबल टू कन्विंस पीपल टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल बी एबल टू मेक योर मीनिंग क्लियर। लास्ट में दोस्तों अगर हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिजनेस कोर्स या पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, ऊपर लिखे हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट करना मत भूलना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर सकते हो, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और मैं आपको इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग चीजें देता रहूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब खैर, मिलते हैं हम लोग, गुड नाइट।